गाइस वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक नेचुरल हीना पाउडर। ये एब्स गुडनेस का है पाउडर और इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है और इसकी एमआरपी 85 रुपीज है। बट मुझे purple.com पे बहुत ही कम प्राइस में मिलता है डिस्काउंट में। तो इसके बारे में ये लिखा है कि इम्पार्ट रिच कलर टू योर हेयर। ये हाइड्रेटिंग कंडीशनर रिपेयरिंग करता है। हैज अ नेचुरल एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज दैट वर्क टू कूल एंड सूट्स योर स्कैल्प। ये 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है। पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव फ्री। क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप एंड मॉइस्चराइज एंड रिजुविनेट योर हेयर विथ एवरी यूज। द पाउडर फॉर्मुलेशन मेक्स इट ईजी टू अप्लाई एंड रिटेन द कलर विदाउट डैमेजिंग यूर हेयर। हेयर कंसर्न डल हेयर प्री मैच्योर ग्रेइंग। और ये ऑल हेयर टाइप के लिए है और क्रुएल्टी फ्री है। और बेनिफिट्स है कलर प्रोटेक्शन, हाई कलर पे ऑफ, नरिशिंग शाइन। तो आप देख सकते हैं इस तरह इसकी पैकेजिंग है और इसमें ये इस तरह ये 50 ग्राम का है। इसमें से अब 20 ग्राम ही यूज करने वाले हैं। फिर अब मैंने ले लिया है और इसमें हमें अच्छी तरह से सील करके रख देना है। फिर उसमें अब हमें इसे यूज कैसे करना है। इसमें कर्ड या आप कौन सा भी ऑयल, इसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स कर सकते हैं और इसका पेस्ट बनाना है हमें। और ये इसका पेस्ट हमें हेयर पे लगाना है अच्छी तरह से। इसकी खास बात ये है कि ये नेचुरल है और प्योर ऑर्गेनिक है। इसकी स्मेल भी बहुत ही प्योर हीना पाउडर की तरह ही है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि इसे 3-4 बार यूज करने के बाद ही फेंट कलर नजर आता है, वो भी इतना। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे और थिन पेस्ट बनाएंगे और हमें इसे अप्लाई करना है हमारे हेयर पे, स्कैल्प से लेकर। तो पूरे हेयर को जैसे हेयर मास्क लगाते हैं वैसे उस तरह हमें लगा लेना है और इसे 60 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ये 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं इसे। फिर उसे हम वाटर से अच्छी तरह से धो देना है, माइल्ड शैम्पू यूज करना है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और मुझे लग नहीं रहा है कि ये 3-4 बार यूज करने के बाद भी आपके हेयर को कोई कलर देगा। बस यही कि हमारे हेयर को मॉइस्चराइज कर देगा, शाइन प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा, बस इतना ही करेगा, पर ये कलर प्रोवाइड नहीं करेगा आपके हेयर को। ठीक है, तो आप इसे यूज करके देखिए फिर मुझे बताइए। अब इसी तरह हमें लगा लेना है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर ग्रे हो गए हैं। आप इसे लेना चाहे तो ले सकते हैं बट ये आपके हेयर को बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करेगा। बस आपके हेयर को हाइड्रेटिंग, कंडीशनिंग, रिपेयरिंग कर सकता है और आपके स्कैल्प को सूद और कूल रख सकता है और कुछ भी नहीं है। तो आपको हीना के ये बेनिफिट चाहिए तो आप इसको हेयर मास्क की तरह लगा सकते हैं। बट इसमें इससे कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं कि हम इसे 3-4 बार यूज करें। सब लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिजल्ट अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप ये यूज कर सकते हैं। 3-4 बार यूज करके देखिए आप लोग कलर आया तो अच्छा है, मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। अगर आप यूज़ करना के देखना चाहते हैं अलग तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, इसे 12 आवर के लिए भिगो के रखिए और उसके 12 घंटे के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप शायद देखना कि आपके हेयर ब्लैक हो जाए। उसमें आप ऑयल, इसेंशियल ऑयल कुछ भी मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, कम से कम हीना की गुडनेस तो आपको मिल जाएगी। ठीक है,
मैंने हिना पाउडर लगाने के बाद 3 आर के लिए रखा था, बट कुछ हुआ नहीं। और मैंने तो इसमें ये ब्लैक हिना पाउडर है और मैंने ब्राउन हिना पाउडर, डार्क ब्राउन और बर्गंडी, इतने सारे रेंजेस लाए हैं। पता नहीं अब क्या होगा, वो भी यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सच में फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट दिखा रहा है। चलो